करना चाहूंगी इस कोर्स के लिए, प्लीज यदि आप लोग बुरा ना माने। हमें हम बोले हमें हाँ? बहुत ही अच्छा पहले हमने दिल्ली से 2 साल पहले ट्रेवल नहीं किया, हम केपी की और वैदिक बुक्स लेके आए थे, वैदिक जो हम पढ़े हमें समझ आया, लेकिन केपी का बाउंसेस लगते थे, कुछ समझ ही नहीं आता था क्या सिग्निफिकेट क्या, हम मतलब अब वो बुक हमने पढ़ी है तो हमें इतना क्लैरिटी हुई है, ऐसे लग रहा है कि बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, अब समझ आ गया, बाकी ऐसा नहीं कि सब कुछ आ गया लेकिन अब कुछ दिमाग में जा रहा है। बुक पढ़ो नहीं होगा। नहीं नहीं यस मैम, लेकिन पहले पढ़ते थे कुछ समझ नहीं आता था कि केपी क्या है, क्या सिग्निफिकेटर, क्या सब सब लॉर्ड, ये सब लॉर्ड नक्षत्र, बहुत कंफ्यूजन था। अब मतलब अब हमें क्लैरिटी हो गई है कि अभी ये नहीं कह रहे कि हमें सब कुछ आ गया, लेकिन हमें अब समझ आने लगा है, मतलब थैंक यू मैम। चलिए आप पथ पे चल पड़े, दैट्स अ गुड थिंग। यस मैम जी, अनुपमा जी प्रॉपर गाइडेंस एंड एक्सीलेंट मैम, थैंक यू थैंक यू। समीर जी देखिए, समीर जी आप तो हॉस्पिटल ड्यूटी में अपना ड्यूटी चेंज करवा के और बैठे हुए हैं, तो उसके लिए पहले दो घंटे के लिए मिला हुआ मुझे, 2 घंटे के लिए ब्रेक मिला हुआ, फोन आए जा रहे हैं, मैं बीच में इसलिए चला भी गया था, लेक्चर नहीं सुन रहा था। आपकी रुचि है, ज्योतिष के प्रति रुझान है, इसीलिए आप इसमें टाइम डिवोट कर रहे हैं। थैंक यू। जुनून है जी, मतलब रुझान नहीं कहूंगा, रुझान तो बहुत साल पहले कन्वर्ट हो गया था, जुनून ही जुनून है। और आगे जो मेरा रास्ता है वो इससे बहुत अच्छे तरीके से, आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, मतलब राइट ट्रैक पे मेरे को डाला गया, जो मेरे इतने साल का जुनून था उसको सही ट्रैक पे शेप अप करने के लिए क्लासेस बहुत बढ़िया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शिफाली जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैम बस यही कहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, क्योंकि आप सबकी जो सपोर्ट मिल रहा है और इतना टाइम डिवोशन है कि दिल से वो जो चीज नहीं समझ में आती वो अंदर घुस रही है, अब ऐसे लग रहा है। और मैम हम सैटरडे को मतलब वेट रहती थी, अब लग रहा है कि इसीलिए दोबारा पूछ रहे हैं कि कौन सी क्लास शुरू होगी, मैं ज्वाइन करूंगी आपकी, तो मतलब लग रहा है कि कुछ समथिंग इज मिसिंग, अगले सैटरडे लगेगा कि कुछ है नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आप लोगों को अनुराधा जी और आपको नहीं देखेंगे और सब लोगों को, तो कुछ लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग होने वाला है नेक्स्ट सैटरडे से। जल्दी मिलेंगे प्रश्न के साथ। यस मैम श्योर, आपको जो भी समस्या हो कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पहले 1 month में नंबर्स देख के थोड़ा डर लगता था कि सब कुछ नेगेटिव ही दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे कोर्स एंडिंग हो रहा है तो मेरे को समझ में आ रहा है हाँ हाँ इसमें भी पॉजिटिव है, देखने के नजरिया थोड़ा चेंज हो गया है। शांता जी आप साउथ से टिपिकल हार्ट ऑफ आंध्रा से, उसके बाद भी एक हिंदी कोर्स करना, दैट आल्सो शोज योर डेडिकेशन कि आपको इस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है और आपको क्या करना है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मीनू जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमें कह रहे मैम नीरू जी आपको नहीं, मीनू जी थैंक्स, इतने अच्छे कोर्स में मेरा एनरोलमेंट हुआ, आई वाज वेरी लकी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी इन माय लाइफ अगेन आफ्टर सो मेनी इयर्स, और अपनी तरफ से लेकिन थोड़ा सा अपना एफर्ट कम हो रहा है, तो लगता है कि मतलब उसको किसी तरह करें तो जरूर ये कोर्स मेरे बहुत ही बेनिफिट में आएगा। मैम बहुत अच्छा समझाती हैं, आपने बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है, एंड आई होप मतलब और भी बहुत सी जैसे प्रश्न कुंडली सीखना चाहती हूँ और नक्षत्रों का प्रॉपर कोर्स करना चाहती हूँ, तो वो मैं आपके साथ आगे जुड़ी रहूंगी और शायद उस तरह से मेरा मतलब एस्ट्रोलॉजी का जो जुनून है वो पूरा होगा, शायद इसीलिए ये लाइफ मिला है, इसको सीखना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ माधुरी जी आपका आपका वैदिक से देखती थी कुंडली, लेकिन केपी सीखने के बाद इसमें इतना इंटरेस्ट हो गया, ये लग रहा है बिल्कुल सही
मुझे वक्त मिला और सही मुझे कोर्स मिला है सही टाइम पर लॉकडाउन में, जो मैं पूरा टाइम दे सकती हूँ इसको सीख सकती हूँ अच्छी तरीके से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस टाइम पर मतलब ये कोर्स सीखने को मिला। मैं वैदिक से ही सीखती देखती थी अब तक कुंडलियाँ, केपी से नहीं आता था, मुझे समझ में भी नहीं आती थी इतनी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी इसको ज्वाइन करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। शिवराज जी आपका अनुभव हमारे साथ। बढ़िया रहा मैडम, बहुत अच्छा, काफी कुछ चीजें सीखने को मिली। थैंक यू। हाँ आकांक्षा, सबसे पहले तो सभी को करणबद्ध होकर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैम अनुराधा मैम उत्तरा मैम से सीखने का बहुत अच्छा अनुभव है और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा आया है क्लास में, एक एक चीज के ऊपर बहुत अच्छी डिबेट के तौर पे सबने अपने अपने क्वेश्चंस प्रश्न पूछे तो बहुत क्लैरिटी हुई और बहुत बेसिक चीज़ें एजुकेशन मैरिज होना ना होना एटलीस्ट मतलब उसकी पुष्टि तक पहुंचना तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि वैदिक के बाद केपी सीखने से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत मतलब वेरी थैंक यू कि उत्तरा मैम इतनी एक्टिव है और वो अपने छत्र छाया हुए हमें रखे और बस सिखाती रहे। थैंक यू सो मच। आज दीदी को खाने की जरूरत नहीं, दीदी ऐसे ही फूल गई। अनुराधा जी इसमें आपका भी तो बहुत बड़ा रोल है, आपने एक्टिवली जो हमारे क्वेश्चंस को आगे रखा और हमारे को मतलब मोटिवेट करते रहे, सपोर्ट भी साथ साथ करते रहे, हमारे क्वेश्चंस दीदी ले पाए, उसके लिए आपका तो मेन रोल है ही है। मतलब खाली एज नॉट एज एन एंकर, नॉट एज एन एंकर, नॉट एज एन होस्ट, बट एज एन एक्टिव प्लेयर। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं श्री मोनिका जी को भी देना चाहूंगी क्योंकि वो आगे बढ़कर उन्होंने कोर्स का कोऑर्डिनेशन किया और हमेशा एक दिन पहले क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है वहाँ उन्होंने हर चीज जानी। इंटेलिजेंट कोऑर्डिनेटर, थैंक यू सो मच। कोऑर्डिनेटर को अगर खुद भी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगा तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। मैंने भी उत्तरा मैम से ही सीखा है केपी, मतलब ये मेरा डबल डबल कोर्स है। एक अच्छा जो कोऑर्डिनेटर होता है वो वही होता है कि जिसको क्वेश्चन पता है कि कब कौन सा मेंबर क्या क्वेश्चन पूछने वाला है और उसमें कैसे इंटरप्रेट करना है। नाइस, थैंक यू सो मच। राजेश जी ने भी अपना भेजा है कि आदरणीय दीदी जी अनुराधा जी क्लासेस बहुत अच्छे रहे, मैंने केपी क्लास पहले भी किसी से पढ़ा था, जो क्लैरिटी चाहिए थी मुझे आपसे मिली, थैंक्स। दीदी जी को बहुत बहुत प्रणाम, अनुराधा जी को प्रणाम, मेरे हाथ की उंगली पकड़ कर रखिएगा, मेरे यही आपसे अनुरोध है। मोनिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ये राजेश जी के शब्द हैं। आरती जी लिख रही हैं, सॉरी समथिंग रॉन्ग विथ माय ऑडियो, थैंक्स फॉर द वंडरफुल क्लास, ग्रेटफुल एंड इंडेटेड फॉर एवर, प्रणाम प्रणाम। और किसी को अपना कुछ बोलना है लिखना है तो हमें बता दीजिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ टीचर का, कोऑर्डिनेटर्स का, अरेंजर्स का, मैडम मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ डेफिनेटली हरीश जी। तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट बना यूट्यूब से ही, जो मैंने वैदिक थोड़ा बहुत सीखा, फिर मैडम से कोऑर्डिनेट किया तो मैडम ने कहा कि हाँ आप सीख सकते हो, तो मैंने केपी क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो आज अभी ये है कि अभी जितने भी क्लासेस में जो भी चार्ट आया है वो मैंने मैनुअली बना दिया पूरा, और जैसे मैडम ने रजिस्टर बनाए हैं वैसे रजिस्टर बना के नोट्स मैनुअली मैंने बनाए हुए हैं, प्लैनेट्स का अलग, राशि का अलग और वो सारी चीजें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैडम ने ये बोली थी कंसंट्रेशन के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, कि आप चंट ऑफ गणपति का किया करें, तो वो भी मैंने स्टार्ट किया। तो ये जो सारी चीजें हैं जो मैडम ने बोली हैं, अगर हम उनपे और आगे प्रैक्टिस करें तो काफी कुछ चेंज आया है हमारी इसमें। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपका कोई मशवरा या आपका कोई कुछ फीडबैक? एक्चुअली मेरे आप मानेंगे कि टाइम चेंज हुआ और उसके बाद भी मेरे को अभी जैसे यहाँ पे 2 बज रहे हैं सुबह के, बट इतनी दीदी अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं कि मैं रह ही नहीं पाती थी, अलार्म लगा के उठती थी। और मैम गुंजन का दिमाग तो आपने इतना फास्ट कर दिया, मेरी एक HOD इंग्लिश की
उनकी बेटी 29 ईयर की होगी, कितने लोगों से उन्होंने मैरिज का पूछा, किसी ने कहा कब होगा कब होगा। मैं कई बार गुंजन से पर्सनली भी बात करती हूँ, गुंजन ने एग्जैक्ट कहा कि जून में, इस कमिंग जून में 100% मैरिज है और अप्रैल में फिक्स हो जाएगी। उनका मेरे पास परसों फोन आया कि अप्रैल में मैरिज अभी फिक्स हुई है और जून में शादी हो रही है। कह रहे जहां से तुम नीरू सीख रही हो, मैंने कहा नहीं मैंने अकेले डिस्कस नहीं किया, यूएस में मेरी फ्रेंड बनी है उसने, पर थ्रू मैट जो वो बहुत ही अच्छी क्लास है कि मुझे भी बताना कि अगर कोई सीख मतलब सीखेगा तो वो नंबर उनका देना। मैंने कहा वो क्रेडिट गोज टू क्लास एंड गुंजन कि आप लोगों ने मतलब पढ़ाने का तरीका सच में बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअली मैंने जब अनुराधा जी को कॉल करी थी तो मैंने सबसे पहली बात यही पूछी थी कि हिंदी उनकी कैसी है, क्योंकि मैं दीदी से कभी मतलब कि सुना नहीं था दीदी को, बट इट वॉज सो नाइस एंड सो फ्लुएंट हिंदी कि आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड। उच्चारण और याद हो के लगातार बोलना बहुत ही अच्छा मतलब है, बहुत एंजॉय किया। हम तो आपके यूट्यूब पे भी आते हैं जी की बहुत वीडियोस देखती हूँ मैं, तो कई बार रात को सोते हुए कितना कुछ देख के ही सोते हो। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनिश जी आप, आपका कोई फीडबैक? और फाइनली भीष्मराज जी आपका कोई फीडबैक? नमस्कार, मैं इस टाइम में उतना कर नहीं पाया हूँ, मगर मैंने नोट बना लिया है तो ये पूरा पूरा रिकॉर्डिंग रखा है, सो उसका नोट बना रहा हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन है मगर वो अच्छा है, क्योंकि जो कंसेप्ट पढ़ाया है राशि का और किस राशि में कौन ग्रह कैसे रहता है उसका फल है तो बहुत क्लियर है। सो थोड़ा कुछ जो बाकी है तो मैं रिकॉर्डिंग देख के करूँगा। उतना मैं ग्रोथ कर नहीं पा रहा हूँ, मीन्स ये दीदी के वजह से या उसकी वजह से नहीं, ये मेरा ही कमजोरी है, तो मैं करूँगा और अगले दूसरे में मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं प्रश्न में मैं जरूर आऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शक्ति। वैसे आपको मालूम है यू लव दीदी, एंड आई लव यू टू अमित, सबको एंड मोनिका जी सब लोग। थैंक यू वेरी मच। नहीं मुझे तो अभी जैसे शेफाली जी किसी ने बोला था कि क्वेश्चन तो अब आएंगे, तो वही मेरे साथ हुआ, मेरे पास जब क्वेश्चन आने शुरू हुए और फिर जब देखा तो मैंने कहा दोबारा क्लास तो करनी है। और सही मानिए आप दोबारा क्लास आप लोग करिएगा, ये बहुत ही मतलब और अच्छा आपको मजबूत करेगा, क्योंकि जब आप पढ़ चुके हैं उसके बाद एक एडवांस लेवल का कोर्स आएगा। मतलब कहने में तो ये बेसिक ही है, लेकिन आपकी सोच तो क्योंकि आप बेसिक पढ़ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आप सिर्फ बेसिक पे नोटिस करते हैं, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके पास एडवांस क्वेश्चन आते हैं, तब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दीदी हर एक सवाल का जवाब दे देती हैं, और मतलब और दूसरी एक चीज मैंने नोटिस की है, दीदी कभी दूसरे का कुछ बुरा नहीं बोलती हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं कि नहीं लाल किताब खराब है, ये खराब है, दीदी बोलती है नहीं अच्छा हम मैं उसमें नहीं पढ़ाती हूँ, कस्पल इंटरलिंक का जैसे आप वो उनसे पूछिए मैं ये पढ़ाती हूँ। ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो किसी दूसरे की बुराई नहीं करती exactly. किसी और की लाइन छोटी करनी जरूरी नहीं। ये मैंने बहुत देखा एस्ट्रोलॉजर, बहुत ज्ञानी ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, उनमें ये एक आदत होती है कि वो दूसरों की बुराई करते हैं, तो ये चीज बहुत है। और फिर ये जैसे अभी जिन्होंने बोला था कि ये जो दीदी जो टिप्स देती है कि गणेश जी की आराधना करके बोलिए, और ये छोटे छोटे टिप्स हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और जैसे दीदी फटाफट बोल देती हैं, हम लोग जैसे किसी ने बोला कि वीडियो दोबारा सुनते हैं तब वो बहुत आता है, क्योंकि उसी में सारा सार है, मतलब गागर में सागर जिसको बोलते हैं, कि वो अगर आप वीडियो दोबारा सोचेंगे आपको फिर और नई और उसमें से नई चीज सुनाई पड़ेगी, क्योंकि वो तो एक पूरा कॉम्पैक्ट जैसे वो बोलते ना एक मंत्र है, वो पूरा सारा चीज आप एक बार सुनेंगे आप एक चीज नोटिस करेंगे, दोबारा सुनेंगे आपने जो एक चीज सुन चुके हैं वो दूसरी चीज अब आपके ऊपर, उसको बार बार सुनने में बहुत बहुत। और आप लोगों का कोऑर्डिनेशन भी मैं मोनिका जी का भी देख रही थी, वो भी क्वेश्चन समझ लेती हैं और सपोर्ट करती हैं कि क्वेरी समझने में। बिल्कुल
अब ये तो, जैसे अभी किसी ने बोला था कि अब सैटरडे खाली हो जाएगा, मैं भी सुबह स्पेशली उठती हूँ, मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन इसके लिए मैं स्पेशली उठती हूँ और बहुत ही आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, जब से मैंने दीदी का कोर्स किया था लास्ट ईयर से, तब मेरे मन में एकदम से बहुत खुशी उठ गई कि अच्छा अभी सैटरडे आ रहा है, प्रोलॉजी दीदी के साथ है, चिंता करिए प्रश्न वापस आने वाला है डेढ़ दो महीने में, तो फिर विल मीट यू अगेन देयर। यस मैम, मैं भी अनुराधा जी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी उत्तरा जी के बारे में। इट वाज ऑसम क्लासेस, मतलब मैंने तो एक्चुअली पहली बार अटेंड की ज्योतिष की क्लासेस, उत्तरा जी को पहले से जानती हूँ, बट शी इज अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सरल भाषा में और जैसे दिल से। आई हैव नॉर्मली सीन पीपल की लोग नहीं चाहते कि दूसरे लोग सीखें, बट शी इज वन पर्सन हु वॉन्ट्स कि आप सीखें, आप समझें, और इस उम्र में भी उनकी जो जिज्ञासा है और जो एनर्जी, उसको हम लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं तो हम लोग कई बार हिलने डुलने लगते हैं, बट वो नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ सारे जवाब देती रहती हैं। इट्स बीन वंडरफुल। और आपकी जो क्लासेस हैं उनका जो बेस्ट पार्ट है, लाइक आई एम ऑल्सो इन हीलिंग्स एंड मेरे अपने भी सेशंस होते हैं, जो सबसे अच्छी बात है वो आपका सबका कोऑर्डिनेशन, बिकॉज और बेस्ट पार्ट ये भी है कि कभी दुर्भाग्यवश या किसी काम की वजह से हम अटेंड नहीं कर पाए, बट आपकी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं और जो सप्लीमेंट्स होते हैं नोट्स के, दे आर इक्वली लाइक, आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ मिस किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।